दोस्तों क्या आपको पता है, जिस प्रकार रामायण में भगवान श्री राम के लिए जामवंत जी ने धर्म युद्ध किया था, उसी प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के समय भालू ने भी इंसानों के लिए युद्ध किया था। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर देखें। दरअसल इस भालू का नाम था वोजटेक, जिसका अर्थ होता है हैप्पी वॉरियर। यह भालू 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय पोलैंड की आर्मी को ईरान में मिला था। इसकी माँ की कुछ शिकारियों ने हत्या कर दी थी, तब यह बहुत छोटा था, इसीलिए पोलिश आर्मी ने इसे अपने साथ ले लिया और अपनी बटालियन में शामिल भी कर लिया। वोजटेक की ट्रेनिंग बिल्कुल आर्मी के जवानों की तरह ही थी, इसलिए उसमें एक सैनिक वाले गुण पहले से ही मौजूद। 1942 आते आते पोलिश आर्मी को ब्रिटिश आर्मी के साथ लिंक कर दिया गया, लेकिन समस्या यह थी कि ब्रिटिश हाई कमांड ने किसी भी जानवर के आर्मी कैंप में एंट्री से सख्त मना किया था, जिसके बाद पोलिश आर्मी ने वोजटेक को अपनी आर्मी में एक सोल्जर की रैंक प्रोवाइड की, जिससे वोजटेक भी ब्रिटिश आर्मी में शामिल हो गया। 1942 में हुई खूनी जंग में वोजटेक की अद्भुत शौर्य ने उसे जंग का हीरो बना दिया। कई दिनों तक चले इस युद्ध में वोजटेक अपनी जान की बाजी लगाकर एक सच्चे सिपाही की तरह लगातार ब्रिटिश आर्मी को आर्टिलरी और गोला बारूद पहुंचाता रहा, जिसके कारण ब्रिटिश आर्मी को हथियारों की कमी नहीं हुई और युद्ध जीत गए।